अब हमें काफ़ी दिन हो गए आए हुए और ये देखो ये अब तैयार होने के बिल्कुल करीब होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना। अब ये देख रहे हो ऊपर से पत्ते ये इस तरह हुए खड़े हैं, ये कुछ लोग काट देते हैं, कुछ कीड़ियाँ खा जाती हैं। ये भाई ये देखो ये पानी का प्रेशर जो है ना थोड़ा कम है, पानी फुल ठंडा यख है। ये देखो जी ये आवाम सारी नहाने के लिए बैठी हुई है। अब इनको मैंने तो कहा भाई ये बंद कर दो नीचे से, लेकिन वो कहते हैं जी मालिक का फोन आ जाएगा और उसने मना कर देना। चलो जाओ नहाओ सारे कट्ठे कट्ठे। ये देखो भाई पानी आ रहा है ऊपर, ठंडा भारी है, देखो कैसे जा रहा है। जो पहले नहा चुके वो मजे ले रहा है, जो नया जाएगा उसको एकदम अलग पता जाएगा इतना ठंडा है। ये देखो ये कैसे काम पर है पानी गया ऊपर, इसको देखो हालत इसकी ठंडा यख इसके भाई। बस बस बस। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के भाई, ठीक ठाक हो ना मेरे भाई। तो आज का सीन इस तरह से है कि हम जाने वाले हैं अपने गांव, तो वहां पे जाके आपको थोड़ा सा सीन इस तरह से दिखाने वाला हूं कि कबूतरों को मैंने आपस में लड़वा दिया था भाई, जो जिसका हो गया वो उसी के पास जाएगा, ठीक है भाई। तो जिस जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो अभी तक, नोटी नोटी वाली हरकतें नहीं करनी, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दो। चले भाई चलते हैं वीडियो की तरफ। नहीं यार ये देखो ये बने हुए यहाँ पे, ये एक है और ये दूसरा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना। ये देखो ये उड़ गए, आह चेक करो। भाई है सीन, हाय हाय भाई ऊपर से गुजर रहे हैं मेरे। अच्छा अभी इसमें ये है, अभी ना ये वैसे मजाक मजाक में कर रहे हैं, उसका उधर बैठता है, अगर उसका उधर बैठता है ना तो वो उड़ा रहे हैं, और अगर ये रेस जो है ना पक्की हो ना फिर ये जो है ना भाई फिर जिसका जिसकी तरफ बैठ जाता है वो फिर उसी का होता है। ये देखो यार ये आ गया था इसकी इनकी तरफ, अब ये उसे ना वापस भगा रहा है। ये देखो भाई ये देखो इसको पता लग गया कि मैं उधर का हूँ, ये चले गए। ये देखो भाई यहाँ पे हल्का हल्का दाना फेंकते हैं फिर ये उतर आते हैं। अब वो देखो वो उसकी तरफ बैठ गया था, अब ये वापस भगाया उसने, आ गया वापस। उस्ताद ये किस किस नस्ल के रखे हुए? ये सब्ज है, ये सब्ज है। कौन कौन से नाम है, नाम बता दो। सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है कबूतरों में? सबसे इनमें से महंगा सब्ज है, वो कितने का होता है एक कबूतर? तकरीबन 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार का एक कबूतर है ये भाई, ये देख लो इनको लाखों की है लाखों का माल है। वो देखो वो देखो वो मार रहा है भागा रहा है उसे, ये दूसरी दफा आ रहा है वो वाला, एक कबूतर फारिग है। साद अब बुलाओ इसको। ये देखो भाई उतर रहे हैं, आए है ये सीन अच्छा है।
चलो जी, वो देखो ये बीमारी उनकी, उनके कबूतर ना फारिग हैं, वापस यहाँ पे आ जाते हैं। और ये तो अपना ही था, इधर उस रह में उड़ा दिए। इसे कहते हैं धड़, और इसके अंदर ना ये जो भैंसों को खिलाया जाता है ना, तो ये वो है जो कि गंदम से निकलता है, जिसे भू कहते हैं, तूड़ी कहते हैं। ये देखो इसको भी तूड़ी कहते हैं। पागल हो गई है आवाम, पागल हो गई है, रेस लगाई पड़ी है। ये देखो यार, ये जो है ना, यहाँ का जो रेट शेट है और बाकी सारी नंबर शंबर लिखे हुए हैं, जिसने खरीदना खरीद सकता है। ये बीज है, ये देख रहे हो, पहले मैंने आपको बताया था कि पहले जो है ना एक ही जगह बीज फेंका जाता है, पहले तैयार किया जाता है। अब ये देखो ये हो गया तैयार, अब ये देखो ये ना अलग अलग करके लगाया हुआ है वहाँ पर, और उस साइड पर भी अलग अलग लगा हुआ है। तो ये बाद में ना इसे अलग अलग किया जाता है, जब ये लगता है इसका बीजा तब भी इसके अंदर मतलब पानी छोड़ के फिर बीजा फेंका जाता है, और जब इसे उखाड़ते हैं फिर भी ऐसे ही उखाड़ते हैं, और जब लगाते हैं तब भी पानी साथ लगता है, हर टाइम पानी लगता है। ये लग रहा है जी, देख रहे हो कैसे गन्ना है यहाँ पे, वो भी बीजे वाला है ये वाला, और वो दूसरा जो आगे है ना भाई, वो जो है ना वो लग चुका है, अब वो फसल तैयार होगी इस तरह से, ये फिर गन्ना हो जाता है एक दफ़ा। घास वगैरह जो है, भिंडी लिए काट, अब भिंडी का हाल चेक करो, ये हो रहा है बीच में, वैसे अभी नाई भी निकल रही है, अभी आपको दिखाता हूँ। कीड़ा लगा हुआ है लेकिन है सही है, देखो ये खा रही है, ये भिंडी बड़े शौक से खाती है। इनके ये गले में घुंघरे देख रहे हो, कितने बड़े बड़े कुंडे लटके हुए हैं। ये साउंड इसलिए दिया जाता है ताकि सारी बकरियों को पता लगता रहे कि हम यहीं पे हैं, और बड़ी प्यारी लगता है ये साउंड ना, अच्छा लगता है। ये भाई चार तीन लोग जो है ना, चौथा तो अपना, तीन लोग जो है ये इनको वापसी भी ले जाएंगे और ले भी आते हैं। वो देख रहे हो, वो देखो दूर, मैंने आपको कहा था ना ये धाड़ होती है, इसके अंदर से ये निकालते रहते हैं, वो देखो मिट्टी हटा दी है, अब वहाँ से ना निकालना शुरू कर दिया इन्होंने। चलो भाई आगे चलते हैं अब। भाई फलों का बादशाह आम जो है वो हम साथ ले आए थे एक पेटी, और उसके बाद जो हमने एक पिज़्ज़ा भी लिया था, और साथ जो है वो कुछ चिकन रोल और समोसे और चटनी, भाई बहुत सारे हमने साथ ले लिए थे, जो कि अभी हम इंजॉय करेंगे। उससे पहले आपको वीडियो दिखा लूँ। तो भाई अब जो है पेटी और हर चीज़ अंदर ले चलते हैं, फिर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे जायका है और क्या है क्या नहीं है। चलें भाई थोड़ा सा एंजॉय करते हैं खाने की तरफ। तो भाई ये पिज़्ज़ा लिया था फूड फेस्टिवल से, जो कि ये देखो टमाटर आहा ऊपर हर चीज़ लगी हुई है, फुली लोडेड है भाई चिकन से, और ये चिकन रोल हैं एम एस स्वीट्स के, जो कि एम डी चौक पर है, और साथ समोसे हैं, कैचअप्स हैं, और चटनी है, मीठी चटनी है। तो भाई चलें अब हम इंजॉय करने वाले हैं। अच्छा मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, जो मैंने आपको कहा था ना पिज़्ज़ा जो है वो फुली लोडेड है भाई, अब देखो ये देखो यार है फिर फुली लोडेड भाई, अंदर सारा भरा हुआ है यार चिकन से और मुख्तलिफ चीज़ों से। तो भाई जान उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, कल इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ब्रदर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।